अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। मैं अफसाना खान। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ब्रेड पिज़्ज़ा हम तवे पर बनाएंगे। तो देखते हैं हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें हमारा एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है और एक मीडियम साइज़ की ऑनियन है, जिनको हमने फाइन चॉप कर लिया है। पिज़्ज़ा हम तवे पर बनाएंगे, इसलिए हमने अपनी वेजिटेबल्स को फाइन चॉप किया है ताकि वो अच्छे से सिक जाएं। भी फाइन चॉप करें। यहाँ पर आप अपनी पसंद की वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, या आपको इनमें से कोई वेजिटेबल पसंद नहीं है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ हमने लिया है मोज़रेला चीज़। यह हमारा आधा कटोरी मोज़रेला चीज़ है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। ये हमारे दो मैश आलू हैं, ये हमारे बॉयल पटेटो हैं। यहाँ पर हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें हमारा आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स है, आधा टीस्पून नमक है और ये आधा टीस्पून ओरिगेनो है। और यहाँ पर लिए हैं हमने कुछ ग्रेप्स, जिनको कट कर लिया है। हम इससे अपने पिज़्ज़ा को डेकोरेट करेंगे। और यहाँ लिए हैं हमने ब्रेड के चार स्लाइसेस, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। पिज़्ज़ा में लगाने के लिए हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स को बचा लिया है, इससे हम अपने पिज़्ज़ा को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे, ओरिगेनो, नमक और चिली फ्लेक्स, इसे मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमारी टॉपिंग रेडी हो चुकी है। टॉपिंग हमारी रेडी हो चुकी है, इसे साइड में कर देंगे। और यहाँ हमने लिया है सेज़वान सॉस। हम अपने एक एक करके सारे स्लाइस को तैयार करेंगे। सेज़वान सॉस लगाएंगे पहले हम। आप सेज़वान सॉस की जगह टमाटो सॉस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर लगाएंगे अपनी स्टफिंग। अच्छे से स्टफिंग को फैला लेंगे। तो हमने टॉपिंग को अच्छे से ब्रेड पर लगा लिया है। अब यहाँ ऐड करेंगे हम अपना मोज़रेला चीज़। इसी तरीके से हम सारे ब्रेडों को तैयार कर लेंगे। यहाँ हम तवा गरम करेंगे। तवे पे हम घी ऐड करेंगे, आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें तवे को ज़्यादा गरम नहीं करना है। गैस भी हम स्लो रखेंगे ताकि हमारे अच्छे से पिज़्ज़ा ब्रेड सिक जाएं। तवे पर हमने अपने ब्रेड पिज़्ज़ा ऐड कर दिए हैं। किसी ढक्कन से हम इन्हें ढककर रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पर चीज़ मेल्ट हो चुका है। जब हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर अपने ग्रेप्स ऐड करेंगे। ग्रेप्स लगाकर हम थोड़ा सा और ढक देंगे, 2-3 मिनट और। 2-3 मिनट हो चुके हैं तो हमारे पिज़्ज़ा भी रेडी हैं। हमारे पिज़्ज़ा भी एकदम रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। हमने इन्हें तवे पे से निकाल लिया है और आप नीचे भी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, जले नहीं हैं बिल्कुल भी। यहाँ पर हमने जो अपनी वेजिटेबल्स बचाई थी
उनको डेकोरेट कर देंगे अपने पिज़्ज़ा पे। हमने अपने ब्रेड पिज़्ज़ा को वेजिटेबल से गार्निश कर दिया है। हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा एकदम तैयार हैं। तो आई होप कि आज की मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।